पर ऋचा चड्ढा ने ट्वीट को डिलीट कर दिया है। उसके बाद एक माफीनामा उन्होंने पोस्ट कर दिया। सेना के अपमान पर ऋचा चड्ढा ने माफी मांग ली है। मेरी मंशा किसी का अपमान करने की नहीं थी, ये बात कही है ऋचा चड्ढा ने। मेरे ट्वीट से जिसे दुख पहुंचा, जिसकी भावनाओं को ठेस पहुंचा, उससे माफी मांगती हूं। मेरे नाना जी भी फौज में रह चुके हैं, ये बातें कही है ऋचा चड्ढा ने। लेकिन ऋचा चड्ढा को माफी मांगने से पहले और जो ट्वीट उन्होंने किया था, उस ट्वीट को करते समय सोचना चाहिए था कि अगर उनके नाना फौज में रहे हैं तो इस देश की भावनाएं फौज सेना को लेकर क्या है, वो उसके बारे में उन्हें सोचना चाहिए था। चलिए जो मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं उनका परिचय आपसे करवाते हैं। राम कदम जी हमारे साथ जुड़े हैं, बीजेपी के नेता। मेजर जनरल ए के सिवाज जी जुड़े हैं। मुर्तजा अली हमारे साथ जुड़े हैं, फिल्म समीक्षक। मानवी तनेजा अभिनेत्री हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। लेकिन सबसे पहले सिवाज साहब, मैं आपके पास आता हूं क्योंकि यह मसला सेना से जुड़ा हुआ है, सेना के अदम्य साहस से जुड़ा हुआ है और इस देश की भावनाएं सेना के जवानों को लेकर क्या है उससे जुड़ा हुआ है। इसलिए मैं शुरुआत आपसे करता हूं। ऋचा चड्ढा ने माफी मांग ली, क्या इस माफी को देश स्वीकार करेगा? देखो, ये तो एक ऐसी बात है कि एक बार बुलेट फायर होगी, दोबारा उसको वापस नहीं लिया जा सकता। जो नुकसान हुआ है उनकी स्टेटमेंट से, वो बहुत ही ज्यादा हुआ है। और जैसे ऋचा चड्ढा कह रही हैं कि उसके नाना जी फौज में थे, तो फिर तो उनको पता होना चाहिए था कि फौज क्या बलिदान करती है देश के लिए, क्या कुर्बानियां देती है, चाहे वो गलवान हो, लद्दाख हो, या आपका पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, 71 वार, 65 वार, 62 वार, भारत के फौज ने एक प्रकार कुर्बानी दी इस देश के लिए। आप इस टाइप का अगर एक प्रकार से ट्वीट पोस्ट करते हो, यह मीडिया पब्लिसिटी तो हो सकती है, मगर